आज की कविता में मैं आपको सुना रहा हूं अमेरिकी युद्धों में मारे गए यतीम और जिहादी बना दिए गए असंख्य बच्चों के नाम एक कविता। सच के छूने से पहले झूठ ने निगल लिया उन्हें। नन्हे हाथ जिन्हें खिलौनों से उलझना था खेतों में बम के टुकड़े चुन रहे हैं। वे हंसते हैं और एक सुलगता हुआ बम फूट जाता है। कितनी सहज है मृत्यु यहां, एक खिलौने की चाबी टूटने से भी अधिक सहज। और जीवन वो घूम रहा है एक पहाड़ से रेतीले विस्तार की तरफ, धूल उड़ रही है। वे टेंट से बाहर निकलते हैं। युद्ध का 88वां दिन और युद्ध की रफ्तार इतनी धीमी इतनी सुस्त कि एक युग बीत गया है। अब थोड़े से बच्चे बचे रह गए हैं, फिर भी युद्ध लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध है, बच्चे धर्म की तरफ हैं और वे युद्ध की तरफ। सब एक दूसरे को मार देंगे, धर्म के खिलाफ खड़ा होगा युद्ध और सिर्फ युद्ध जीतेगा। लेकिन तब तक सिर्फ रात है यहां, कभी कभी चमक उठता है आकाश, कभी कभी रोशनी की एक फुहार उनके बगल से गुजर जाती है। लेकिन रात और पृथ्वी की सबसे भीषण रात, बारूद बर्फ और कीचड़ से लिथड़ी रात और मृत्यु की असंख्य चीखों से भरी रात, पीप खून और मांस के लोथड़ों वाली रात अब आकार लेती है। वे दर्द और अंधकार से लौटते हैं भूख की तरफ, भूख और सिर्फ भूख। बच्चे रोटी के टुकड़ों को नोच रहे हैं और वे इंसानी जिस्मों को, कटी टांगों वाली भूख, खून और पीप से लितड़ी भूख। एक मरियल सुबह का दरवाजा खुलता है। ना कोई नींद में था, ना कोई जागने की कोशिश कर रहा है। टेंट के दरवाजे युद्ध की पताकाओं की तरह लहराते हैं। हवा में बच्चे दौड़ रहे हैं खेतों की तरफ। रात की बमबारी ने कुछ नए बीज बोए हैं। ये कविता अच्युतानंद मिश्र की थी जो मैंने आपको सुनाई। युद्ध की विभीषिका में ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज कविता में बस इतना ही।